गरीब वर्गों का मिलने वाला राशन ग्रामीण तक नहीं पहुंच रहा है। शासन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो वहीं आम आदमी चावल दाल और गेहूं के लिए मोहताज हो रहे हैं। इस संबंध में हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की मांग कर रहे हैं और प्रशासन शहरों में राशन वितरण का ढोंग कर वाहवाही लूट रहा है। यह बात भगवानपुरा विधायक केदार सिंह डावर ने कही। बुधवार को अचानक नगर की सोसाइटी पहुंचे विधायक केदार डावर ने सोसाइटी में आ रहे खाद्यान्न की जानकारी ली और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की खाद्यान्न की कमी को अन्य समस्या हो तो मुझे तुरंत सूचित करें। क्षेत्र के गरीब लोगों को और किसानों को खाद्यान्न सामग्री से लेकर खाद बीज तक की मांग में किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं आनी चाहिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2-3 सप्ताह से न तो चावल पहुँच रहे हैं, न दाल, यहाँ तक कि गेहूँ भी नहीं पहुँचा है। पिछले राशन की मांग के अनुपात आधा भेजा गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है, परंतु उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है और मांग की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी राशन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। साथ ही बारिश का मौसम आ गया है, किसान पहले ही कोरोना की मार से घायल है और अभी बोनी के समय किसानों को खाद बीज के लिए परेशान न होना पड़े। शासन दिखावा करने के बजाय बुनियादी स्तर पर काम करे तो इसमें सबका भला होगा। सेगावां से संजय जायसवाल के साथ गौरव दसौंधी की रिपोर्ट। ये चावल की स्थिति पहुंची नहीं है, चावल खामकड़ा नहीं पहुंचा, सबने बने लिया। आज अचानक सोसाइटी का दौरा क्या कारण रहा? ये अपने क्षेत्र में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम भ्रमण कर रहे हैं। आज सेगांव भी इसी कारण आए समिति में, जहां हमारे किसानों को खाद की क्या व्यवस्था है। सबसे पहले तो क्या है, कोरोना के उसमें जो चावल मिलना था जो फ्री में, आज तक किसान हमारे क्षेत्र में नहीं बट पाया। जो आया था वो जो डिमांड के हिसाब से भी 1,000 क्विंटल कम आया और कुछ समितियों में आज तक 1 किलो भी नहीं गया। लोगों के लगातार फोन आ रहे थे कि भैया हमारे यहाँ हमको चावल नहीं मिला, चना की दाल जो मिलना थी वो अभी तक नहीं मिली और गेहूँ का जो आवंटन था जो मिलना चाहिए वो भी कम होके आया। जो कुछ लोगों को मिला आधा, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। इस कारण पूरी जानकारी ली, अभी अधिकारियों से बात करी है और पानी का मौसम ये आ गया, आपके सामने आ गया है। पानी के छींटे गिरने लग गए, किसानों को अभी यूरिया खाद की ज़रूरत है, पोटास खाद की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है। वो यहाँ पे आरओ देने के बाद भी अभी तक अभी जानकारी में आया है कि अभी तक यहाँ खाद नहीं पहुँचा है। ये सारी समस्याएँ किसानों की, इसको हल कराना है और ये जानकारी अब उपलब्ध की है। हम जिला अधिकारियों से बात करके हम जल्दी ही ये व्यवस्था कराने के लिए क्षेत्र में जो चावल और ये नहीं आ रहे, इसे प्रशासन की उदासीनता मानते हैं या शासन की क्षेत्र के प्रति उपेक्षा? ये चावल नहीं आ रहे हैं, इस संबंध में मैंने लगभग 20 दिन पहले कलेक्टर महोदय को भी कहा और मुख्यमंत्री जी को भी मेल किया मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चावल उपलब्ध नहीं होने के कारण। जो जानकारी उपलब्ध कराई है कि भाई ये हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो अप्राप्त है। मैं पुनः ये निश्चित तौर पे है जो कहा जा रहा है वो अभी तक हमारे ग्रामीण इलाके तक नहीं पहुंच पाई है ये सुविधाएं। उसको जरूरी है कि इसको जरूरी अधिकारी भी संज्ञान में ले और मुख्यमंत्री जी भी इसको अपने संज्ञान में ले, क्योंकि जो कहा जा रहा है या जो रिपोर्ट उनको मिल रही है वैसी धरातल पे अभी नहीं आ पा रही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।